हेलो एवरीवन, आई एम शिवम गुप्ता, ओनर एंड फाउंडर ऑफ 3D लर्निंग अकेडमी. इट्स एन ऑनलाइन कोचिंग फॉर कैट्स एट एंड मेड्स एंड आईएफटी. मॉकजोन इज बेसिकली ओन बाय 3D लर्निंग एंड फोकसेस ऑन मॉक टेस्ट, क्रैश कोर्स एक्सेट्रा. सो गाइस, टुडेज वीडियो इज ओनली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज आर ट्राइंग टू अपियर फॉर नॉन कैट एग्जाम्स लाइक एनमैट, स्नैप, आईएफटी, टेस्टनेट, सीमैट, सीईटी या और भी कोई एग्जाम्स हो, बिकॉज आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नॉन कैट कोर्स. सो यस गाइस, दिस इज द कॉम्प्रिहेंसिव नॉन कैट कोर्स फॉर कवरिंग ऑल द एग्जाम्स. ऐसा नहीं कि आपको एनमैट लिए अलग कोर्स लेना है, आईएफटी लिए अलग कोर्स लेना है, टेस्टनेट के लिए लेना है, उसमें आपको नहीं करना है. कन्फ्यूजन भी होता है और पैसे भी अननेसेसरी लगता है. सो हमने एक ओवरऑल कोर्स बना दिया है. ऐसा इसलिए पॉसिबल हुआ गया क्योंकि ऑलमोस्ट सारे नॉन कैट एग्जाम्स का सिलेबस सेम है, ठीक है. बस डिफिकल्टी लेवल वेरी करता है और कुछ में जीके कुछ में नहीं, तो वो सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है. तभी उन्होंने ये कोर्स बनाया हुआ है. सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट काम कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, बिकॉज काफी लोग इस तरह की चीज वीडियोस देखना पसंद करते हैं बट उनको दिखता नहीं है, मिलता नहीं है. तो वीडियो लाइक करने से वीडियो ऊपर आएगा तो उनको दिख जाएगा. एंड सब्सक्राइब कर लो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज डेली लगातार वीडियोज बन रहे हैं, कंसेप्चुअल वीडियोज, स्ट्रेटेजी रिलेटेड वीडियोज, ठीक है. तो लाइक सब्सक्राइब करने से आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप काफी कुछ मिस कर सकते हो. सीरियसली बता रहा हूँ गाइस, लास्ट ईयर उन्होंने एग्जाम टाइम में बहुत सारे वीडियोस बनाए थे, हर एग्जाम पे सीमैट के 15-20 वीडियो बना दिए थे. तो अगर जिसने सब्सक्राइब नहीं किया होगा सो काफी लॉस हुआ होगा, ठीक है. चलो गाइस, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेक्शन बाय सेक्शन. सारे सेक्शन कवर किए हुए हैं, ठीक है. और जो कोर्स है ये पूरा लाइव सेशन है, फोर फैकल्टीज हैं, ठीक है, सब कुछ है. चलो देख लेते हैं ब्रीफ में एक बार. कमिंग टू द क्वांट्स कोर्स. सो क्वांट्स कोर्स की अगर बात करें हम लोग, सो गाइस वी हैव जो यहाँ पे क्लासेस होती है कौन सी, बहुत ही फ्लेक्सिबल मैनर में होती हैं, ठीक है. यहाँ पे हम लोग व्हाट्सएप पे क्लास लेते हैं जो कि बहुत इजी होता है, इजी टू हैंडल होता है. यहाँ पे क्या होता है, यू आर एडेड इन द ऑफिशियल ग्रुप्स. तो अलग अलग ग्रुप्स बनेंगे अलग अलग टॉपिक्स के लिए, अल्जेब्रा, अर्थमेटिक, ज्योमेट्री, नंबर्स एंड मॉडर्न मैथ्स. सब में एक साथ ऐड नहीं हो गया, जो स्टार्ट हो रहा है उसमें हो गए, ठीक है. तो यहाँ पे 5 डेज व्हाट्सएप क्लासेस चलती हैं. व्हाट्सएप क्लासेस बेसिकली क्या होता है, यू विल बी एडेड टू द ग्रुप, जैसे मैंने बोला, और बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कवर होता है, ठीक है. ऐसे मान लो परसेंटेजेस की अगर बात करें तो परसेंटेज में बिल्कुल बेसिक परसेंटेज का क्या है, इंक्रीज डिक्रीज परसेंटेज का, यहाँ से भी स्टार्ट. सो एक प्रॉपर टाइम होता है, 10 बजे या 10:30 बजे क्लास चलती है, रात को 12:15 तक, 1.5 घंटे की, 1.25 या 1.5 घंटे की. उसमें मैं कंसेप्ट पोस्ट करता हूँ, उसको बच्चे देखते हैं, उसका एग्जाम्पल पोस्ट करता हूँ, और हर एक पोस्ट बाद ऑडियो एक्सप्लेनेशन से बैक्ड अप होता है वो. जैसे मैंने कोई एग्जाम्पल पोस्ट किया, उसको सोल्यूशन दिया, तो ऑडियो एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा. फिर मैंने क्वेश्चन आपको दिया, प्रैक्टिस करने को 1 मिनट टाइम दिया, आप सॉल्व करोगे, आंसर दोगे, मैं इसको सॉल्यूशन दूंगा, फिर ऑडियो एक्सप्लेनेशन दूंगा. तो ऐसे करके इट गोज, और बहुत ही ज्यादा इजी है, इजी टू रिफर. एग्जाम टाइम में आपको कुछ अगर रिफर करना हो तो आप सीधे अर्थमेटिक ग्रुप में गए, पूरा अर्थमेटिक आपने रिफर कर लिया. हमें हर एक कंसेप्ट कवर करते हैं. ऐसे ऐसे कंसेप्ट हैं गाइस जो आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमने काफी, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, मैंने मॉक्स वगैरह दिए थे, मॉक्स मैंने कंसेप्ट नोट कर लिए थे सारे, वो सभी मैं कवर करता हूँ, ठीक है, ज्योमेट्री, अल्जेब्रा वगैरह में. तो काफी कुछ होता है अपार्ट फ्रॉम ये रेगुलर ग्रुप. एक दो ग्रुप्स और हैं, एक प्रैक्टिस ग्रुप होता है, वहाँ पे आप अपने डाउट्स पोस्ट कर सकते हो. हम लोग क्वेश्चंस पोस्ट करते रहते हैं, वहाँ पे फैकल्टीज हैं अलग क्वांट्स की, वो लोग आपके डाउट्स क्लियर करती हैं, बच्चे भी हैं काफी, ठीक है. और एक क्वांट्स ट्रिक्स करके ग्रुप होता है, वहाँ पे एटलीस्ट 100 750 शॉर्टकट्स स्टार्ट होंगे, पोस्ट होंगे. वो 1 सितंबर से आपका जो बैच स्टार्ट हो रहा है, 5 सितंबर से, तभी हम लोग स्टार्ट कर देंगे पोस्ट करना उसको, ठीक है. तो ये आपका व्हाट्सएप क्लासेस में लाइव होता है. ऐसे अपार्ट फ्रॉम दैट, एक डेडिकेटेड पोर्टल मिलता है आपको, जिसमें सारा यूनिक कंसेप्ट वीडियोस होता है. अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वैसा ऐसा होना नहीं चाहिए, फिर भी नहीं आ रहा है आपको, तो आप वीडियोस में जाकर रेफर कर सकते हो. टॉपिक बाय टॉपिक वीडियोस हैं, जो पोर्टल में वीडियोस हैं वो 60 यूनिक कंसेप्ट वीडियोस हैं. वो यूनिक मतलब होता है ऐसे ऐसे कंसेप्ट्स जो आपको बुक में नहीं मिलेंगे बट मॉक्स में और कैट में बहुत आते हैं वो सर, ठीक है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बेसिक वीडियोस आ रहे हैं, जिसको बेसिक वीडियोस इंक्लूड करने का रीजन क्या है, मतलब चैप्टर बाय चैप्टर पूरे वीडियोस हैं. ऐसा रीजन ये है क्योंकि काफी लोग को समझ में नहीं आता है, काफी लोग को टाइम लगता है, कुछ लोग को वीडियो से देखने में और अच्छा लगता है और क्लैरिटी आ जाती है, तो वीडियोस भी दिए हम लोगों ने, ठीक है. सेशंस का मैंने बता दिया, अराउंड 120+ लाइव सेशंस हो जाएंगे, 100+ शॉर्टकट्स डिस्कशन हो जाएगा, ठीक है. पर्सनलाइज स्टूडेंट पोर्टल बोल दिया मैंने. डेली असाइनमेंट एक्टिविटी होती है, आपको असाइनमेंट मिलेगा पर डे, ठीक है. टॉपिक टेस्ट के फॉर्म में भी हो सकता है या फिर आपका ग्रुप में हो सकता है. ये तो डेली असाइनमेंट है, बट जो एक्चुअल असाइनमेंट हमने देना शुरू किया वो बहुत अच्छा है गाइस, क्योंकि टाइम का हमें स्मार्ट स्टडी करनी है, स्ट्रक्चरल स्टडी. तो दो वी ऑल्सो प्रोवाइड अवर ओन हैंडआउट्स, बट अभी हम लोग क्या रेफर करेंगे, क्वांटम कैट बाइबल है, उसको डिसिप्लिन वे में करेंगे. तो उसको करते कैसे हम लोग, जैसे आज परसेंटेज स्टार्ट किया तो मैं आपको कल दे दूंगा, कल या परसों में उसका असाइनमेंट. असाइनमेंट में क्या होगा, आपको सारे एग्जाम्पल्स उस चैप्टर के करने होंगे कॉपी में, प्लस एटलीस्ट 40 एग्जाम्पल्स, 40 क्वेश्चन फ्रॉम द L1, L2 and L3 लेवल, ठीक है. ये आपको कॉपी में करके इसका PDF बना के यू हैव टू अपलोड इन द गूगल फॉर्म, ठीक है. गूगल फॉर्म हम लोग लिंक देते हैं, उसे आपको अपलोड करना पड़ेगा. थोड़ा स्ट्रक्चर वे में अगर करोगे गाइस तभी आपको तैयारी होगी.
आप बच्चे क्या करते हैं, एक ही चैप्टर को 6 जगह से लगा लेंगे, या ई एम एस से भी लगा लिया, सी एल से भी लगा लिया, उससे फायदा नहीं है। इससे अच्छा वैरायटी कवर करो आप, चाहे आप 40-50 क्वेश्चन से करो, बट सारे चैप्टर्स कवर करो आप, ठीक है। ये एक स्ट्रैटेजी होती है गाइस, और बिल्कुल एक ही तरह से करो, एक जोश में आके 10 जगह से कर लिया, बाकी चैप्टर छोड़ ही दिया आपने, तो कोई फायदा थोड़ी उसका। तभी उन्होंने ये किया और बहुत ही अच्छा चल रहा है। जैसे आज ही हम लोग का डे है कि आज रेशन प्रपोर्शन का असाइनमेंट सबमिट करना है बच्चों को, ठीक है। तो ऐसा रहता है ये। इसमें बूस्टर क्रैश कोर्स भी इंक्लूडेड है, 15 से 20 सितंबर में स्टार्ट हो जाएगा वो, और मे भी 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा वो। 999 का बाहर के लिए, आप लोग के लिए इसमें इंक्लूडेड है। उसमें क्विक रिव्यू ऑफ पॉइंट्स प्लस एटलीस्ट 300 क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे, ठीक है। डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग, ये यूएसपी है हम लोगों की, जिसकी वजह से हम लोग काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। बैच साइज मैक्स मैक्स 50-60 बच्चों का होता है, इसलिए यू कैन डायरेक्टली पिंग द फैकल्टी कोई डाउट हो। दो ग्रुप भी है डाउट क्लियरिंग, बट आप हम लोग को डायरेक्टली पिंग कर सकते हो, आपके डाउट क्लियर करेंगे ऑडियो फंक्शन में। यही चीज़ काफ़ी ज़्यादा लैक करती है कोचिंग्स में, जिसकी वजह से बच्चों की डाउट क्लियर नहीं हो पाती है, तो बच्चे इशू करते हैं फिर, क्योंकि डाउट क्लियरिंग इज द मेजर थिंग, ठीक है। रैपिड फायर सेशंस वगैरह भी होंगे आगे आके, ठीक है। एक तरह का क्विज होता है वो 10 क्वेश्चंस का, ये सिलेबस खत्म होने के बाद होगा बेसिकली, ठीक है। तो गाइस ये कौन सा कोर्स था, 5 सितंबर का कोर्स स्टार्ट हो रहा है, अक्टूबर एंड में आपका पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा, ठीक है। हम लोग बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे में चलेंगे, एटलीस्ट 5 डेज क्लासेस हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो 7 डेज भी क्लास होंगी, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो दिन में भी क्लास होगी, एक दिन में 2 क्लास ही होंगी, ठीक है। बट ऐसा जनरली करेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग को चाहिए कि आपका टाइम भी रहे असाइनमेंट सॉल्व करने का, तो भागने से फायदा नहीं होता कोई, ठीक है। चलो गाइस, कमिंग टू द VLR कोर्स, वर्बल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग, इसमें DI भी इंक्लूडेड है गाइस, नॉन कैट की, ठीक है। तो ये भी काफ़ी अच्छा कोर्स है, इसमें आपको पर्सनलाइज स्टूडेंट पोर्टल मिलता है, जहाँ पे पूरे हैंडआउट्स VA के, पूरे हैंडआउट्स LR के, वो ऐड होते रहते हैं, असाइनमेंट्स, टॉपिक टेस्ट, सब कुछ ऐड रहता है, ठीक है। मैंने बोल दिया 18 लॉजिकल रीजनिंग हैंडआउट्स, 10 वर्बल एबिलिटी हैंडआउट्स, एटलीस्ट 25 वीडियोज ऑन VLR, 25 टॉपिक टेस्ट ऑन VLR, ये हैं। साथ में असाइनमेंट्स भी हैं काफ़ी, ये तो टॉपिक टेस्ट हैं, उसके बाद अलग अलग टॉपिक के असाइनमेंट भी हैं जो आपको फैकल्टी देती है हर सेशन के बाद, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, टेलीग्राम में सेशंस होते हैं आपके, क्विज के फॉर्म में सेशंस होते हैं, जैसे कि मान लो कल हमारा कोर्स ऑफ एक्शन पे सेशन है, तो कोर्स ऑफ एक्शन पे सेशन होने के बाद आपको पोर्टल में असाइनमेंट मिल जाएगा, ठीक है। वो फैकल्टी डिसाइड करती है कब देना कब नहीं देना उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इससे बहुत ही अच्छा सा स्ट्रैटेजी वे में हो जाता है। इसमें भी मैंने बोल दिया ऑलरेडी पर्सनलाइज स्टूडेंट पोर्टल को मिलता है ईजी एक्सेस के लिए, एडिशनल कॉन्स हैंड आउट वो आपको जरूरत नहीं यहाँ पे, क्योंकि आप कॉन्स कोर्स ले लिया आपने, ठीक है। पास पेपर्स और इजी एक्सेस पास पेपर्स भी रहेंगे, डी स्कूल GDPI गाइडेंस रहेगा, वो तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो मतलब ये VALR और DI का मैं बता दूँ, DI के एटलीस्ट 10 वीडियोज होंगे कवरिंग ऑल द DI ऑफ ऑल द नॉन कैट एग्जाम्स, चाहे वो IFT हो चाहे कुछ हो, DI के अलग से भी टॉप टेस्ट बनेंगे, ठीक है, वो भी हैं। तो यहाँ पे पूरा VALR एंड DI का कवर है इसमें, ठीक है। प्रैक्टिस यहाँ पे मेन है, यहाँ पे 3 डेज प्रैक्टिस होती है, तो ये उससे बहुत आपको इंप्रूवमेंट हो जाता है। काफी ज्यादा गैप है, लोग कैट कैट करते रहते हैं, नॉन कैट में ध्यान नहीं दे रहा कोई, इसलिए। और आप सोचो कैट खाली ये है कि नॉन कैट 15 एग्जाम है, तो आपको उसमें भी ध्यान देना चाहिए। दो अलग बात है कि हर एग्जाम में दो दो कॉलेजेस हैं, बट स्टिल कुछ कह नहीं सकते। काफी लोग कैट कैट करते हैं, बाद में जाते सीमेट से हैं, ठीक है। तो आपको अगर अच्छे से दो तो अच्छा रहेगा आपका। कमिंग टू द GK कोर्स फॉर एग्जाम्स लाइक IFT, सीमेट, टिस्नेट, टिस्मैट, सबके लिए GK कोर्स गाइस बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है। इसमें क्या होता है, द बेस्ट थिंग अबाउट द कोर्स इज आपको सब कुछ मिलता है, पूरा पर्सनलाइज पोर्टल होता है, जहाँ पे आपका PDFs होते हैं, हैंडआउट्स होते हैं स्ट्रैटेजी के, करंट अफेयर्स के, बिजनेस अवेयरनेस के, टॉपिक टेस्ट होते हैं करंट अफेयर्स के, स्ट्रैटेजी के, प्लस सेक्शनल टेस्ट होते हैं आपके CMAT के 5, TISNET के 5, TISMAT के 5, IFT के 5, ये सब होता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट PTM कॉन्टेस्ट होते हैं महीने में 2, ये कॉन्टेस्ट आपको मतलब एक टाइम टेस्ट होता है, आपको 10 मिनट टाइम दिया जाता है, आपको पोर्टल में टेस्ट लाइव हो जाता है, आपको देना होता है टेस्ट। टॉप 2 में जो आते हैं उनको 50 रुपीज कैशबैक मिलता है, ठीक है, ये चीज़ है। द बेस्ट थिंग अबाउट द कोर्स इज जो आपको डिफरेंशिएट करती है GK फॉर MBA को बाकी लोगों से, लाइव क्लासेस 4 डेज वीक टिल CMAT एग्जाम। टेलीग्राम में लाइव सेशंस होते हैं गैस 4 डेज वीक, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा जल्दी, ठीक है। आपको पोर्टल मटेरियल वगैरह सब मिल जाएगा, बट यहाँ पे जो लाइव प्रैक्टिस सेशंस होते हैं उससे आप अश्योर्ड हो जाते हो कि आप एटलीस्ट हफ्ते में 4 दिन GK तो पढ़ ही रहे हो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू गेट 2 न्यूज़पेपर्स एंड 1 लाइनर करंट अफेयर्स डेली ऑन योर पिंग, प्लस आप एक GK फॉर MBA के व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड होते हो, जहाँ पे मैं लिंक शेयर करते रहता हूँ, आप अगर नहीं पढ़ पाते हो अलग अलग न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन से, ठीक है। जैसे अभी रिलायंस ने 620 करोड़ इन्वेस्ट करे नेटमेट्स में, तो इस तरह की न्यूज़ आप नहीं पढ़ पाते हो, मान लो आपकी मिस हो जाती, तो हम लोग का वो है कि आपको दें, ठीक है, तो ग्रुप में, तो इट इज़ मोर देन एनीथिंग। इसको करने के बाद आप कोई भी, देखो GK तो इनफाइनाइट है, आप कुछ नहीं कर सकते, और कंटेंट की कमी है ही नहीं नेट में, बट स्ट्रक्चर में पढ़ना इज द की।
हजारों पीडीएफ आपको नेट मिल जाएंगे, बट आप क्या पढ़ोगे क्या नहीं पढ़ोगे मैटर करता है, पढ़ने से कुछ ज्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होता। अभी आपने 10 पेज की पीडीएफ 100 पेज वीडियो रट ली, एग्जाम में याद कितना रहेगा वो मैटर करता है। तो मेरा मानना है कि आप जो बोलो उसको 10 बार रिवाइज कर लो, ताकि उससे कुछ आएगा तो वो आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है, ना कि आप 1000 पीडीएफ पढ़े कुछ रिवाइज ना करो, कोई फायदा नहीं है। बाकी हम लोग जो हैंड आउट्स होते हैं वैसे नहीं है, बस जो डाल दिए वो हो गए, हैंड आउट्स एड होते रहते हैं। इसमें लिखा हुआ है 20 स्ट्रेटेजी के हैंड आउट्स, 28 हैंड आउट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और अभी होंगे अपलोड, ठीक है। सारा हैंड आउट्स इकट्ठा नहीं देते हैं, बट बच्चे डर जाते हैं कि 50 हैंड आउट पढ़ने कैसे पढ़ेंगे, तो बच्चे कुछ नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो गाइज ये जीके का हो गया, तो पूरा एग्जाम कवर करता है, ठीक है। तो गाइज कमिंग टू द प्राइसिंग, तो नॉन कैट जो सारे एग्जाम्स आपका कवर करता है इसकी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा नॉमिनल है, ठीक है। 6000 का कोर्स होना चाहिए, बट हम लोगों ने अभी डिस्काउंट दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि आप लोग काफ़ी फॉर्म्स वगैरह भी इन्वेस्ट करोगे, काफ़ी कैट के कोर्स भी इन्वेस्ट कर चुके होगे, सो इट इज़ नॉमिनल प्राइसिंग, 4000 प्राइस है। और काफ़ी लोगों के मेरे डाउट आ रहा होगा यार कि नॉन कैट एग्जाम में नॉन कैट कोर्स हमको टेस्ट लेना है, ऐसा ना हो कि हमारा गड़बड़ हो जाए तो टेस्ट का कोर्स लें, ऐसा कुछ नहीं गैस। यहाँ पे सिलेबस सबका सेम है, आप चाहे टेस्ट करो चाहे जो भी करो, ठीक है, आपका सब कुछ कवर होता है यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि आप कल एग्जाम में फोकस करो तो आपको एग्जाम का ही कोर्स होना चाहिए, क्योंकि सिलेबस आपका सेम है तो आप पढ़ोगे तो ही है। एंड द बेस्ट थिंग इज जो क्वांट्स है यहाँ पे, ये क्वांट्स आपका नॉन कैट नहीं पूरा कैट भी कवर करता है, इवन जैट भी कवर करता है, ठीक है। तो नॉमिनल प्राइसिंग है। पहले उन्होंने खाली टेस्ट के कोर्स लॉन्च किए थे, दो बैच चल चुके हैं, अराउंड 40 बच्चे एनरोल कर चुके हैं, ठीक है। उनको बता दिया हमने कि नॉन कैट का भी कवर होता है, बट इस बार हमने नॉन कैट के नाम से ही निकाला है इसको, ताकि काफी बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। काफी बच्चे जो पूछ रहे हैं IFT का कोर्स है, स्नैप का कोर्स है कि नहीं है, तो अलग अलग कोर्स आपको लेने की जरूरत नहीं होती है, एक कोर्स आपका हो जाएगा सब कुछ, क्योंकि सब कुछ कवर होता है यहाँ पे, ठीक है। तो 4000 इसकी प्राइसिंग है। कमिंग टू द स्पेशल हाईलाइट्स, सेपरेट फैकल्टी फॉर ईच सेक्शन, 4 फैकल्टीज हैं, ठीक है। क्वांट्स 5 डेज ए वीक, LRMBA 3 डेज ए वीक, GK 4 डेज ए वीक, 3 स्टूडेंट पोर्टल्स फॉर कंप्लीट स्टडी मटेरियल इंक्लूडिंग वीडियोस, अराउंड 200 एडिशनल वीडियोस जो पोर्टल की वीडियोस उसी बात हो रही है, सारे सेक्शन मिला के अराउंड 200 वीडियोस हो जाएंगे, ठीक है। 120 प्लस टॉपिक टेस्ट हो जाएंगे, क्वांट्स के 50, LRBA के अराउंड 25 बढ़ते जाते हैं, 25 मैंने कम लिख दिया, 25 तो टेस्ट है खाली, बाकी असाइनमेंट्स भी टेस्ट के फॉर्म में ही है, 50 भी वो होगा तो ज्यादा ही हो जाएंगे, ठीक है। तो अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर है बेसिकली, ठीक है। GK की 50 डिटेल्ड शेड्यूल इज प्रोवाइडेड फॉर ई सेक्शन, ये इंपॉर्टेंट चीज, छोटी छोटी मोटी लगती है बट इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर्ड स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले से बताना चाहिए वो कौन सेशन कब होना है, क्वांट्स का, VLR का, GK का, सबका आपको शेड्यूल मिल जाता है पहले से, हर महीने का, हर 15 दिन का, क्या क्या कब कब सेशन होने हैं, ठीक है, तो आपको एक शेड्यूल रहता है फिक्स आपके माइंड में, ठीक है। USC में ऑलरेडी बता चुका हूँ, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग बाय डायरेक्टली पिंगिंग द फैकल्टी बाय व्हाट्सएप, ठीक है। कमिंग टू द रिव्यूज गाइस, तो अभी तक हम लोग कैट कोर्स चला रहे थे लास्ट ईयर तक, लास्ट ईयर दिसंबर में उन्होंने पहला नॉन कैट कोर्स स्टार्ट किया PGDBA का, एंड अभी इस साल उन्होंने JBIMS MHRD का किया, दोनों रिजल्ट हम लोग को बिल्कुल अच्छे मिले हैं, क्योंकि द थिंग वॉज क्वालिटी ओवर क्वान्टिटी, हम लोगों ने ज्यादा बच्चों में फोकस ना करके कमी बच्चे ही 50-60 बच्चे का बैच बनाया, डेडिकेटेड लाइव सेशन दिए, डेडिकेटेड मटेरियल दिया, और काफी अच्छा रिजल्ट आया गाइस, क्योंकि हमसे तो JBIMS MHRD कितनी कम सीट्स हैं, 20 सीटें हैं टोटल, ठीक है, 200 बच्चे शॉर्टलिस्ट होते हैं खाली, उसमें भी हम लोग 60 में से करीब 25 बच्चे शॉर्टलिस्ट हो गए थे JBIMS MHRD से, अभी रिजल्ट फाइनल रिजल्ट आना है, 20 सीटें में अभी आर एक्सपेक्टिंग करीब 7-8 बच्चे या 5-6 बच्चे कन्वर्ट करेंगे लग रहा है ऐसा, ठीक है। ये बट रिटन टेस्ट का एग्जाम है, रिटन टेस्ट का रिजल्ट है JBIMS MHRD का, ये गाइस इसलिए बहुत बेरो पाया कि फोकस्ड स्टडी, स्ट्रक्चर्ड स्टडी मैटर करती है हमेशा, तुम लोग का रहा है कि ज्यादा बच्चे लेने से अच्छा जितने बच्चे लो उनको निकलवाओ, ठीक है, ये चीज़ है। कमिंग टू PGDBA, PGDBA बहुत अच्छा प्रोग्राम है, IIM कलकटा, IIM कोझिकोड, ISI मिल लेकर आते हैं, और काफ़ी 18-20 लाख का एवरेज पैकेज होता है। द बेस्ट थिंग इसमें यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सारे एग्जाम्स थोड़ा अलग है, कैलकुलस आती है यहाँ पे पॉइंट्स में, ठीक है, BTech वाले दे सकते हैं, इसका भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया, 50-60 बच्चे एनरोल किया था, जिन लोगों ने लाइव सेशंस, प्रैक्टिस सेशंस सब अटेंड किए, मॉक्स दिए प्रॉपर टाइम पे, उन लोगों का कॉल आया, ठीक है, करीब 15-20 बच्चों का कॉल इसमें है PGDBA का। कमिंग टू द सेक्शन वाइज रिव्यूज, यू कैन पॉज एंड चेक, आप देख सकते हो पुराने वीडियोस, पुराने रिव्यूज, ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट यू कैन पिंग नहीं, इसको पॉज करके आप देख लोगे, आपको आइडिया लग जाएगा कोर्स की क्वालिटी क्या है, ठीक है। काफी बच्चों को टॉप 25 से कॉलेज कॉल आई हुई है, देख सकते हो, ठीक है, ये QA कोर्स का रिव्यू है, वीडियोज का बेसिकली, ये क्लास का रिव्यू है जो लाइव क्लास चलती है व्हाट्सएप पे उसका, ठीक है, VLR का देख सकते हो आप रिव्यू, ठीक है। ये आप देख सकते हो, आपको GK4MBA का रिव्यू देख सकते हो, ये बेसिकली GK4MBA CMAT का है, 12 क्वेश्चंस 25 में से मिले थे इनको CMAT में लास्ट ईयर, ठीक है। ये अभी JBIMS MHRD के रिव्यूज हैं, मॉक्स का रिव्यू, ठीक
ठीक है, 6-7 क्वेश्चंस आए, तो आप देख सकते हो सारे मॉक्स वगैरह का भी, जीके का भी, सब रिव्यू देख सकते हो बच्चों के रिव्यू में। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो, आई गेस आपको वीडियो क्लियर हो गया होगा कैसा कोर्स है। ठीक है, तो दोस्त आर प्लानिंग टू एनरोल, अभी भी टाइम है गाइस, मैं बता सकता हूँ। अगर आप ऑलवेज स्ट्रक्चर्ड स्टडी मैटर, कुछ नहीं होता कि कितना टाइम दे रहे हो आप, अगर आप स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ोगे तो आपके अभी भी सारे एग्जाम्स निकलेंगे। इवन जो अभी भी स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा है उसका भी सब निकलेगा। काफ़ी बच्चे पूछते हैं हर बार कि अभी से स्टार्ट करें तो एलमेट निकलेगा, कैट निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा अगर स्ट्रक्चर स्टडी है तो। अगर आप टाइम बर्बाद करोगे ग्रुप्स वगैरह तो कुछ नहीं निकलेगा। ठीक है, तो गैस हमेशा मैटर नहीं करता कि आप कितना टाइम दे रहे हो, दो दो तीन तीन साल वाले भी कैट देते हैं एनमेट देते हैं, नहीं निकलता उनका। बट आप देखते हो कि 100% वाले कौन होते हैं, ज़्यादातर फ्रेशर्स होते हैं। ठीक है, द रीज़न भी बिल्कुल स्ट्रक्चर में भी करते हैं, एक प्रॉपर स्टडी मटेरियल लगाते हैं, प्रॉपर उसका शेड्यूल होता है, प्रॉपर मेंटरशिप होती है, तब उनका होता है। ठीक है, तो गैस यू कैन पिंग मी एट 8604734785, नंबर दिया मेरा, इंस्टाग्राम पेज है, फॉलो कर सकते हो, कोई डाउट है मेल कर सकते हो। ठीक है, अगर आप टेलीग्राम में नहीं हो तो हो जाओ, क्योंकि नीचे लिंक्स हैं, काफ़ी अच्छे सेशंस होते रहते हैं फ्री, सारे जितने भी हैं कैट एंड मैट स्नैप सबके ग्रुप्स के लिंक दिए हुए हैं, काफ़ी बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, उसको ज्वाइन कर लो। अगर आपको वहाँ पे मुझे पिंग करना हो, मॉकजोन के नाम से मैं वहाँ पे हूँ, आप मुझे पिंग कर सकते हो। ठीक है, टू एनरोल फॉर द कोर्स डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसमें आप एनरोल करके यू कैन सेंड द स्क्रीनशॉट। और अभी से करने से ये नहीं कि 5 सितंबर से स्टार्ट हो तो आराम से करोगे, अभी से करोगे आप तो आप जीके की पीडीएफ आपको सारा पोर्टल एक्सेस मिल जाएगा, आप कॉन्ट्स के वीडियो देखना शुरू कर दो, जीके पढ़ना शुरू कर दो, अच्छे से करना शुरू कर दो, ताकि आपको बाद में ईजी हो जाए, जल्दी से जल्दी आप कोर्स खत्म कर लो। ठीक है, चलो गाइस ऑल द बेस्ट, बाय बाय।